जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो मेरे उत्साह को और बढ़ाता है, और ये जोश ये उत्साह दर्शाता है कि एनडीए कितनी मजबूती से 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तमाम एनडीए के साथी मजबूती से एक साथ एकजुट होकर 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। सिंबल मिल गया, सीटें मिल गई, कार्यालय भी मिलेगा क्या अब आगे? भाई जो जो हम लोग का हक है, अधिकार है, वो जरूर मिलना चाहिए। बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जेडीयू के लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं और जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए चुनावी मौसम है, ऐसा होता है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए जिसको ठीक लगता है वो ऐसे फैसले लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा किसी दल पर या किसी गठबंधन पर असर पड़ेगा। चुनाव के समय हम लोगों ने हमेशा देखा है कुछ लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, ये होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया। एनडीए में तो सीट शेयरिंग हो गया लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ, आरजेडी बिना सीट शेयरिंग के टिकट बांट रही है, क्या कहेंगे? अब बताइए, अब ये गठबंधन धन की मर्यादा का पालन करना तो कतई नहीं है। जब तक सीटें फाइनल ना हो जाए, सीटों का चयन ना हो जाए, और उससे पहले इस तरीके से अगर आप सिंबल बांट रहे हैं तो मुझे लगता है गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। पिता की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, उनकी कर्मभूमि जो आने वाले दिनों में मेरी भी अब कर्मभूमि है, वहां जा रहा हूं, पापा के आशीर्वाद से ही इसकी शुरुआत करूंगा। थैंक यू।